मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से और मेरी ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फिर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मौका दिया है, हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए मौका दिया है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के अथाह परिश्रम की जीत है। यह जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके गरीब लक्ष्य कार्यक्रम है, इसकी जीत है। गुजरात का सवाल है, गुजरात में 1990 से भारतीय जनता पार्टी चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो कभी नहीं हारी। लगातार हम छठी बार वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत 2012 के मुकाबले गुजरात के अंदर बढ़ा है। मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है, गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। हिमाचल के अंदर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2012 में हमें 38.47% वोट मिले थे और इस बार 48.50% मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है, उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है, ये परिणामों से स्पष्ट होता है। हिमाचल में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है।